डीमा मुर्गी चली गई है वॉकिंग के लिए। हाय लड़कों, कल मैं एक पार्टी रख रही हूँ, क्या तुम लोग आओगे? प्लीज, ये रहा सारा आमंत्रण, तुम लोग प्लीज जरूर आना। पार्टी करेंगे, तुम भी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। एक और मुर्गी। कितना अच्छा है, कल मैं एक पार्टी रख रही हूँ, तुम्हें जरूर आना है, बहुत सारे मजे करेंगे। कैसी पार्टी है? क्या हम भी आने वाले हैं? नहीं, ये पार्टी शानदार होने वाली है, मैं सिर्फ खास लोगों को ही आमंत्रित। क्या एली, मुझे दे दो। ये लो तुम लोग आमंत्रण। जूली, अगर सिर्फ खास लोग आने वाले हैं तो हम लोग भी इसका हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल मॉर्शे, ठीक है, क्या तुम मुझे अपना जंपसूट पहनने के लिए दे सकती हो? बिल्कुल दे दूंगी। बहुत बढ़िया, ये आमंत्रण मेरे लिए बहुत ही खास है। क्यों डीमा, ऐसा क्या खास है इसमें? कोस्टा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, गीगी बहुत ही खास लोगों को बुलाएगी और डायना भी रहेगी वहाँ। डीमा, मैं जानता हूँ डायना बहुत ही खास है, वो वहाँ नहीं आएगी, और अगर आएगी तो वो तुम्हारी तरफ देखेगी तक नहीं। तुम देखना, डायना पार्टी में आएगी और मैं उसके लिए एक तोहफा भी ले जा रहा हूँ। पकड़ो मुझे। ओ, तो ये लोग यहाँ सिर्फ खाने के लिए ही आए हैं। हैंडसम लोग, कहाँ से ये लोग हैंडसम हैं? ये लोग बहुत ही बदसूरत है, पता नहीं डायना ने इनसे क्यों दोस्ती की है। हेलो खास लोग, मैं तुम लोगों को अपनी पार्टी के लिए आमंत्रित करने आई हूँ, ये बिल्कुल बड़े लोगों की तरह पार्टी होने वाली है। सुनो, तुम जाओ और जा किसी को अपना ABC। सुनो, तुम जाओ और सिखाओ ABCD। हम बच्चों के पार्टी में नहीं जाते, समझी क्या? ये बुकमार्क नहीं है, ये मेरे पार्टी के लिए आमंत्रण पत्र है, सब लोग आ रहे हैं। तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? आर्थियम कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है, देखो जरा उसके बाल, बो टाई, उसका शर्ट, मैं सच में डेट करना चाहती हूँ। मॉर्शिया, मैं पात्री को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, उसकी जीन्स देखो कितनी अच्छी है। लड़कियों, मिलो खास लोगों से। हे भगवान, ये अजीब लोग फिर से आ गए यहाँ, ये बहुत टाइट है इनकी वजह से। ओहो, ये लोग फिर से यहाँ आ गए हैं, मुझे नफरत है इन लोगों से। कोस्टा, डायना आ गई। कोस्टा, तुम खुद को झुकाओ मत, तुम क्या कर रहे हो? कोस्टा छोड़ो मुझे, मैं अभी सब ठीक कर दूंगा। हाय लड़कों, कैसे हो तुम लोग? बहुत अच्छा। इन बेकार लोगों को खुद को पागल बनाने मत देना। मानता हूँ, ये लोग बहुत ही बकवास हैं। हाँ, मैं मानता हूँ। ओ, ये डीमा क्या कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, डायना को उसकी जरूरत नहीं है। हेलो डायना, मैं हूँ डीमा। सुनो डीमा, तुम भूल गए हो, मैं बेकार लोगों से बातें नहीं करती। बेकार, चले जाओ। डायना, मुझे पता है मैं बेकार हूँ, लेकिन एक दिन खास बन जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेके आया हूँ, ये लो। दोस्तों, क्या तुम लोग देख रहे हो, ये बेकार लड़का फिर से आ रहा है डायना के पास। कोई मौका नहीं मिलने वाला है। हे भगवान, ये बेकार आदमी फिर से यहाँ आ गया अपने खिलौनों के साथ। जी माँ, क्या तुम सीरियस हो? फिर से खिलौने? क्या तुम भूल गए हो कि मैं 9th में जा चुकी हूँ और अब मैं खिलौने से नहीं खेलती हूँ? डायना, मैं समझ गया हूँ, अगली बार मैं तुम्हें चॉकलेट ही दूंगा। क्यों, क्या हाल है लूजर? कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो किस्मत साथ देगी। डीमा बस करो, 2 हफ्तों से तुम्हारी किस्मत जरा भी साथ नहीं दे रही है। किस्मत कल फिर से आएगी। चल रहा है हमारे स्कूल के खास लोग। सुनो डायना, क्या तुम डीमा से थक नहीं गई हो? मैं उसे समझा दूं कि उसे तुम्हारे पास आने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत करो अर्त्यम, वो एक गरीब है और दुखी लड़का है, समझे? लड़को, हम शॉपिंग बाद में चले हैं स्कूल के टाइम पे। हाँ, और मैं पर्स खरीदने वाली हूँ, डोल्ची गबाने का बैग, और मुझे लगता है कि मैं लुईस वेटन के इयररिंग्स खरीदूंगी। लड़कियों, क्या तुम अभी भी अपने साथ पैसे ला रही हो? हाँ, क्यों? हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, हमें बहुत सारे पैसे चाहिए। याना, तुम अपने पैसे रख लो, मेरे पास कार्ड है, मैं पे करूंगा। क्या तुमने सुना लड़कियों, मेरा पैतृक कितना अच्छा है? हाँ, देखो उसे। ओ खास लोग, सुनो, मैं कल एक पार्टी देने वाली हूँ, मैं तुम लोगों को आमंत्रित करना चाहती हूँ, तुम लोग प्लीज आना। ये रहे आमंत्रण पत्र। सुनो गीगी, जाओ और अपने बेकार लोगों को बुलाओ अपने बच्चों वाली पार्टी में, समझ गई तुम? हम इन बच्चों की पार्टी में नहीं जाते हैं। हे भगवान, मैं थक चुकी हूँ इन बेकार लोगों से, ये हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? तो क्या हम बेकार हैं? तुम्हें दिखा देंगे आज तक की सबसे बढ़िया पार्टी कैसी होती है। हाँ, बेकार लोग। हाँ, बहुत ही शानदार। वैसे छोड़ो इन लोगों को, मैं इन बेवकूफ लोगों के साथ खड़ी भी नहीं हो सकती हूँ, समझ गए तुम लोग? ये बेवकूफ लोग हैं, समझ गई? चलो चलते हैं। अर्त्यम, मेरे पापा ने आज मुझे बेंटली चलानी थी। सच में? क्या तुम अभी भी अपने पापा की गाड़ी चला रहे हो? मेरे पेरेंट्स तो मुझे कब की लुम्बागनी खरीद के दे दिए। मेरे पापा नई गाड़ी क्यों खरीदेंगे, उनके पास 500 गाड़ियां हैं। लड़कों, कहाँ हो तुम, जल्दी आ जाओ। हाँ, हम लोग आ रहे हैं, चलो चलो। उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं। इस लड़की की गलती है, वो लोग पार्टी में नहीं आएंगे, अब क्या फायदा? डायना, डायना, डीमा, डायना के बारे में सोचना बंद करो, बेहतर होगा कि हम अपना होमवर्क चेक करें। कौन सा सेक्शन था वो? 55। सुनो मेरी बात, मैं बेकार हूँ और खास लोगों के साथ जंग की घोषणा करती हूँ।
हे भगवान, गिगी तुम चिल्ला क्यों रही हो? वो लोग सुन लेंगे। गिगी, हम तुम्हारी पार्टी में आएंगे, ये शानदार होने वाली है। गिगी रोना बंद करो, क्या तुम चाहती हो वो हमसे और भी ज्यादा नफरत करने लग जाए? हाँ, हमें और मुसीबत नहीं चाहिए। देखो मुझे, मेरी पार्टी बहुत बढ़िया होने वाली है, सबसे शानदार होने वाली है, सबसे अय्याश होने वाली है। मेरी मम्मी सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाने वाली है। जूली, ये पार्टी तो बहुत मजेदार होने वाली है। गिगी, अब कोई भी कंपोट नहीं पीता, सब कॉकटेल पीते हैं। गिगी, बेहतर होगा कि तुम अपना आमंत्रण पत्र वापस दे दो और पार्टी के बारे में भूल जाओ। नहीं दोस्तों, हम हार नहीं मानेंगे, हम इन लोगों को सबक सिखा कर ही रहेंगे, तब पता चलेगा। सबक सिखाना होगा? हाँ, सबक। हाँ, सबक सिखाएंगे। हाँ, चलो दिखाते हैं खास लोगों को और डायना को भी। तुम्हारे ख्यालात तो बहुत ही तेजी से बदल रहे हैं। तो क्या गीक्स, क्या तुम तैयार हो उन खास लोगों को सबक सिखाने के लिए? हमें भी बराबर का हक चाहिए। हाँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, स्कूल की फीस सबके लिए बराबर ही है। हमारी जगह धूप में है। हम समझदार हैं। हम भी पढ़ाई करते हैं। उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ महंगे बैग्स ही खरीदे हैं। सुनो अर्तम, क्या ये सच है कि तुम्हारे पापा तुम्हें अपनी बेंटली चलाने देते हैं? ऐसा है क्या? हाँ, सच है डायना। ये जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी, मैं अपने पेरेंट्स को बोलूंगी मेरे लिए बुगाटी खरीद के दे, सबसे नया और सबसे शानदार वाला, लेकिन मैं अभी नहीं चला सकती हूँ। ओ डायना, बस भी करो, कौन सी बुगाटी, टेस्ला सबसे बढ़िया कार है, तुम्हें पता होना चाहिए ये। सुनो दोस्तों, चलो चलते हैं, सबके लिए कार खरीदते हैं स्कूल के बाद। हाँ, बढ़िया, चलो। ओ वैसे मुझे चुनना पड़ेगा कि मुझे कौन सा चाहिए। हाँ, मुझे भी चुनना पड़ेगा। सुनो मेरी बात खास लोग, हम तुमसे लड़ाई की घोषणा। लड़ाई? ये बेवकूफ लोग फिर से आ गए। सुनो मेरी बात, बेकार लोग, जाओ और जाकर पढ़ाई करो और हमें अकेला छोड़ दो। हाँ, हम पढ़ाकू है और पढ़ाई भी करते हैं और समझदार भी। और तुम सिर्फ उन चीजों के बारे में बातें कर सकते हो जो तुम्हें मम्मी पापा खरीद के देते हैं। दोस्तों, क्या तुमने सुना, इनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की? ये सभी साथ मिलकर ऐसी बातें कर रहे हैं। हे बेकार के लोग, हमें परेशान मत करो, हम लोग कार चुन रहे हैं अपनी। हाँ, अभी तो तुम लोग कार चुन रहे हो, लेकिन जब बड़े हो जाओगे तो स्कूटर चलाओगे, समझे ना? हाँ, क्योंकि तुम लोग बुद्धू और तुम्हें अच्छी नौकरियाँ नहीं मिलेंगी और तुम खुद के लिए भी कुछ नहीं खरीद पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। क्या तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई पढ़ाकू लोग, यहाँ से चले जाओ, हम तुमसे बातें नहीं करना चाहते हैं, यहाँ से जाओ। सुनो तुम खास लोग, तुम्हें स्कूल आना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, ना कि अपने ड्रेस दिखाने के लिए, तुम लोग समझ गए? डायना, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने लिए एक नई गर्लफ्रेंड ढूंढ लूंगा। हाँ जीमा, जैसा कि मैं तुम्हारे साथ पार्टी में स्लो बर्नर पर डांस करने वाली हूँ। गिगी, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या तुम पागल हो? तुम नहीं डांस करोगी स्लो बर्नर पर जीमा के साथ, समझ गई? डायना, ये क्या हो रहा है, क्या तुम डीमा को लेके जल रही हो? रुको दोस्तों, तुम इन पढ़ाकू लोगों से क्यों बात कर रहे हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो हमसे जलते हैं? वो बस पढ़ाई कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मुझे देखो। कोस्तिया, खुद को देखो, तुमने एक बैगी स्वेटर और एक बैगी पैंट पहना है। और तुम मुझे देखो, मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। hey, कोई तुम्हारा गला नहीं दबा रहा है, तुम आरामदायक कपड़े पहन सकते हो। दोस्तों, मैंने सबके लिए एक कार ऑर्डर कर दिया है। बस करो दोस्तों, इन पढ़ाकू लोगों से बात करना बंद करो, ये लोग हमारी लाइफस्टाइल नहीं समझेंगे। चलो। चलो। दोस्तों, मैं पढ़ाई करके राष्ट्रपति बनना चाहती हूँ। मैं इलॉन मस्क की तरह बनूंगा। और मैं पढ़ाई करके वकील बनने वाली हूँ। मैं एक एस्ट्रोनॉट बनूंगा। और मैं शेफ बनूंगी। ओ अर्थियम, कितना हैंडसम है, बो टाई, क्या शर्ट है, कितना अच्छा लग रहा है। मॉर्शिया, मुझे पात्रिक पसंद है, बहुत ही अच्छा है। ये देखो। हाँ, ये सही है। ओ, ये डीमा पागल हो गया है, ये डायना के लिए खुद को क्यों गिरदड़ रहा है। डायना, मैं जानता हूँ तुम बहुत पढ़ाकू हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेके आया हूँ, ये देखो। अब ये लाइन कैसी थी? ये क्या कहना चाहती? तुम सुनो। तुम्हें पता है मैं बहुत पढ़ाकू लड़की नहीं हूँ, लेकिन मेरे पापा मुझे बुगाटी खरीद के देना चाहते हैं। ये सच है। तो सुनो मेरी बात, कहना चाहता हूँ मैं, ये जो मैं कह रहा हूँ। चलो खरीदते हैं। ये पढ़ाकू लोग फिर से आ गए यहाँ। हाँ, तुमने सही कहा। हाँ, सही कहा। क्या है ये? ओ नहीं दोस्तों, ये क्या है, ये गलत है, ये लोग पढ़ाकू लोग है। दोस्तों, इन पढ़ाकू लोगों से बात करना बंद करो, ये लोग हमारी लाइफस्टाइल नहीं समझेंगे। चलो चलते हैं। तुम्हें पता है दोस्तों, मैं पढ़ाई करके राष्ट्रपति बनना चाहती हूँ। मैं भी बनूंगा। हाँ, ये सही है। हाँ। ये अच्छा है। When you seem too far away.
Ha 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 ha!